हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। खान किचन ब्लॉग ऑफिस में आपका स्वागत। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। अलहमदुल्ला आप लोग सब खैरियत से। जितनी मेरी टू फैमिली है, तो मैं आज रेसिपी बनाने जा रही हूँ, मटन और आलू की रेसिपी। तो किस तरह से बनाऊंगी, बने रहिए मेरे खान किचन ब्लॉग में। चलते हैं, शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। तो रेसिपी बनाने से पहले हमने मटन को लिया है, मटन को अच्छी तरह से हमने धोकर साफ कर लिया है। तो ये 500 ग्राम मटन है। 500 ग्राम के हिसाब से हमने 250 ग्राम आलू लिए हैं। हमने ले लिया है कुकर, तो कुकर में डालेंगे मटन। तो मटन को डाल दिया है। में डालेंगे प्याज, दो बड़े साइज के हमने काटे हैं। दो टमाटर बड़े साइज के काट के हमने डाले हैं बड़े टुकड़ों में। अदरक लहसुन का पेस्ट आधी कटोरी। इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाले में हमने लिया है 1.5 चम्मच पिसी हुई मिर्चा, 2 चम्मच भर का धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर का हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। तो सारी चीज़ों को इसमें डाले दे रहे हैं। तो स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। तो कुछ हमने खड़े मसाले लिए, 8 से 10 हमने काली मिर्चें ली हैं, 2 हमने लाल मिर्चें ली, 4 हमने लौंगे ली, 3 हरी इलायची ली, 2 तेज़पत्ता लिया, 1 हमने काली इलायची ली। तो खड़े मसाले हम डाले दे रहे। तो 2 चम्मच भरकर हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। इन चीज़ों को मिलाने के बाद में अब हम चल रहे हैं गैस के पास। जलाकर कुकर को रख दिया गैस के ऊपर। कम से कम 10 मिनट तक हम मसाले को गोश्त में हम भूनेंगे। तो चलते हैं, जब तक मसाला हमारा भुनेगा तब तक आलू छील लें। जब हमारा गोश्त का मसाला भुनेगा तब तक हमने उठा लिए आलू छीलने के लिए। एक तरफ आलू है, एक तरफ हमने पानी रख लिया क्योंकि हमारे आलू काले ना पड़े। तो आलू को हम छील लें हैं। तो इसी तरह से सारे आलूओं को हम छील लेंगे। ज़्यादा हमने बड़े आलू नहीं लिए हैं, बस 2 टुकड़े हुए इस तरह से। ये देखिए, तो हमने छोटे साइज़ के आलू लिए हैं। तो सारे आलू इसी तरह से हम आलू को छील कर काट कर और धोकर रख लिए हैं। अब चल रहे हैं गैस के पास। तो 10 से 11 मिनट हो चुके हैं हमारे मटन को मसाले में भूनते हुए। तो मत देखिए, मटन ने पानी भी हल्का सा छोड़ दिया है। तो बस इसमें अब लगाएंगे हम ढक्कन। तो कम से कम 2 सीटी तक हमको मटन को ढक्कन बंद करके ही गलाना है। इसके बाद हम आलू डालेंगे। तो बस 2 सीटी तक हमको गलाना है। जब तक हमारे मटन गलेगा कुकर में, तब तक हम दूसरी कुकर में चावल चढ़ाए दे रहे हैं। तो 1 चम्मच भर के जीरा लिया है, 8 से 10 काली मिर्च ली, 1 तेज़पत्ता लिया, 2 लौंगे ली। तो ये खड़े मसाले हम चावल में डाले दे रहे हैं और ये थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाले दे रहे हैं। इसमें 3 मिर्ची हरी टुकड़ों में डाले दे रही हूँ। 1 चम्मच भर का अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चावल में। ये आप लगाएंगे हम ढक्कन लगाकर। अब रखने जा रहे हैं गैस के ऊपर। उनके सालन को अब खोल कर हम करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना बढ़िया तरह से हमारा मटन पका है। इसकी एक बोटी हम तोड़ के देख लें हमारा गोश्त, ये गला है कि नहीं। तो ये गल गया है। तो अब इसमें हम आलू डालेंगे जो हमने छील कर काट कर धोकर रखे थे। तो इसमें आलू सारे हम डाले दे रहे हैं। तो आलू को चलाने के बाद में मटन में, तब अब हम लगाएंगे पानी। तो 1/2 हमने कप पानी लिया है, तो क्योंकि इसमें पहले से ही सालन था। तो ये देखिए, तो बस मुझे इतनी ही इसकी ग्रेवी चाहिए। तो बस अब इसमें फिर से हम ढक्कन लगा दे रहे हैं कुकर का। तो कम से कम 2 सीटियों में आलू को हमें चलाना है। तो 4 सीटी में हमारा मटन गलकर तैयार हो जाएगा। अगर हमारा पक के रेडी हो चुका है, तो इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर पिसा हुआ गर्म मसाला, ऊपर से हम कटी हुई हरी धनिया। कुकर से निकाल कर सालन हमने डोमे में कर लिया, एक प्लेट पे चावल कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया सालन हमारा बनकर तैयार हुआ मटन आलू। तो आप लोग इसी तरह से बनाइएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो को एंड करने के लिए। तो आज की रेसिपी थी मटन आलू की रेसिपी। तो मैंने किस तरह से बनाया, तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।